तो हाय डियर, कैसे हैं आप लोग? ये जो चिता देख रहे हैं ना, इसी तरह से आपको दौड़ना है क्योंकि आपका एग्जाम सामने आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो शंखनाद हो चुका है और अब शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग का रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के काम में आएगा AEC पेपर सेमेस्टर 3 के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, AEC पेपर सेमेस्टर 3 23-27 सेशन हो चाहे 22-26 सेशन हो, सेमेस्टर 3 चाहे आने वाले 24-28 सेशन हो, सभी के काम में देगा। ठीक है, तो देखिए सेमेस्टर 1-2 और ये 3 हम लोग स्पेशली जानेंगे अभी। AEC पेपर सेमेस्टर 3 AEC इलेक्टिव कोर्स सेमेस्टर 3। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव व्यवहारिक हिंदी पढ़ना है इसमें। देखते हैं सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और विद आंसर। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 का जानेंगे, ये 4 का भी साथ में था तो इसको छोड़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, AEC कोर्स इलेक्टिव 3 है और ये जो आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, टाइमिंग इसमें जो रहेगा आपका 2 घंटा रहेगा। AEC पेपर में कितना टाइमिंग रहेगा? 2 घंटा, 50 मार्क्स का 2 घंटा टाइम, पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो आपका है शुद्धि शब्द वाक्य मतलब इकाई 1, इससे रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन और यूनिट 2 से रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, या फिर हो सकता है कि यूनिट 1 से रहे आपके 30 क्वेश्चन और यूनिट जो आपका 2 है निबंध लेखन, इससे आपके रहे 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग पहले जान लेते हैं पढ़ना क्या क्या है। तो यूनिट 1 में पढ़ना है आपको व्याकरण के बारे में, हिंदी व्याकरण और रचना के बारे में, जिसमें आपका है शुद्धि शब्द यानी कि शब्द को शुद्ध करना। ठीक है, और अशुद्ध को पहचानना, यही सब रहेगा। फिर है आपका वाक्य शुद्धि, जैसे बोल देता है कि सीता घर गया, तो ये क्या वाक्य शुद्ध है? नहीं, सीता घर गई। ठीक है, ये वाक्य शुद्ध है, तो इस तरह से गलत वाक्य दे देगा और पकड़ने बोलेगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है वो देगा। वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण इसके बारे में आएगा। संक्षेपण के बारे में आएगा, पल्लवन के बारे में आएगा, विविध पत्र लेखन के बारे में आएगा, मुहावरे उसके बारे में आएंगे, कारक, ठीक है, कारक के बारे में आएगा, जैसे मुहावरे होता है ना बहुत सारा, आंख मारना, इशारा करना, हम लोग बचपन में ही तो सबसे पहले याद किए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद ये सब लगे रहे फालतू है, कुछ नहीं होता, मार खाने का बुद्धि। ठीक है, चलिए तो ये हो गया विविध पत्र लेखन, फिर मुहावरे हैं, फिर कारक, इसमें आपको पढ़ना है कर्ता ने कर्म को करण से, यही सब पढ़ना है। ठीक है, आप बोलिएगा भूल गया, आधा बोला, नहीं यार नहीं बोले, बताएंगे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, अधिकरण में, पर, ठीक है, और उसके बाद संबोधन, अरे ओ ओ इस तरह से, उसके बाद प्रत्यय पढ़ना है, फिर उपसर्ग पढ़ना है, और फिर आपको लोकतिया पढ़ना है। ठीक है, जैसे दाम तो दाम गुठलियों, आम तो आम गुठलियों के भी दाम, ठीक है, डबल फायदा, उसी तरह से आपको लोकतियों पढ़ना है। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा बोलते हैं ना हम लोग, मतलब अपना तो दोस्त नहीं, अपने तो कम नहीं सकता है, दूसरों को दोस्त देता है। ठीक है, तो ये आपका लोकतियां हो जाती है कुछ। फिर आपको यहाँ पे निबंध, निबंध आएगा लिखने, ठीक है, निबंध लिखने आएगा भाई, और इसमें जो है आपको अच्छा खासा लिखना होगा, पूरा 3 खड़ा पन्ना लिखना होगा। निबंध आपको 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आएगा, या तो आएगा पर्यावरण पे, ठीक है, और पर्यावरण पे अगर नहीं आता है तो आएगा नैतिकता पे। ठीक है, नैतिकता यानी कि ईमानदारी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा आपका विज्ञान है, विज्ञान पे आ सकता है। चौथा आपका साहित्य, या पांचवा राष्ट्रीयता पर आएगा। ठीक है, राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीयता पर। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखने आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 निबंध लेखन के बारे में। ठीक है, केवल इसी का, और इसको हम लोग अलग से करेंगे एक एक करके, मतलब 6-7 वीडियो में इस पूरा का पूरा हम लोग इसको कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे निबंध लेखन शुरू होता है। पहला हम लोग पर्यावरण का देखते हैं, तो पर्यावरण पे आपको क्या क्या लिखना है कि पर्यावरण क्या है सबसे पहले ये बताइएगा, फिर बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर आपको बताना है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, यहाँ पे इतना ही दिया है, ध्वनि प्रदूषण, इसके साथ ही आपको बताना है, हो गया वायु जल मृदा ध्वनि प्रदूषण, इसके बताना है कि हमारा जो वर्तमान है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व का तापमान बढ़ रहा है उसके बारे में बताना है, ओजोन परत क्षय के बारे में बताना है। ठीक है, ये सभी टॉपिक बना लीजिएगा, ओजोन परत क्षय
और विश्व का तापमान बढ़ना, इसके साथ ही जो नगरीकरण की एक समस्या है वो भी हमारे पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब सब कोई शहर जाना खोजता है, सब कोई शहर में रहेगा तो गांव में कौन रहेगा यार, कौन रहेगा, गांव तो खाली हो जाएगा यार। ठीक है, तो ये बताना है। साथ ही आपको बताना है, देखिए हमारा क्या है कि जंगल कटाव चल रहा है, बहुत सारा फैक्ट्री बन रहा है, सब जंगल को काट देते हैं, रोड बन रहा है जंगल को काट दे रहे, और उतना जंगल लगा नहीं रहे, उतना पेड़ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये बताना है। बाढ़ बताना है, तो बहुत सारा टॉपिक है आपको लिखना है सब कुछ, और साथ में बताना है आपको झारखंड से। मैं एक चीज बोलूंगा, पॉइंट कीजिएगा नोट को, जैसे 1984 में हुआ था आपका, 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसा हुआ था, उसमें आपका 15,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, उसी तरह से हम लोग के झारखंड में एक जगह है जादूगोड़ा, नाम सुने होंगे, यूरेनियम फैक्ट्री है वहां पे। ठीक है, जो कि सिंहभूम में पड़ता है, तो यूरेनियम फैक्ट्री है जादूगोड़ा, वहां पे मालूम है दोस्तों, वहां का जो लोग है ना, मतलब यार बच्चे जो जन्म लेते हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको प्रभाव को बताना है कि ये भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषण कर रहा है, और बखूबी लिखना है कि इसको एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट नहीं ले रही है। गवर्नमेंट मतलब बहुत गंदा गाली बोलने का हमको याद आ रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट ये है, टिया है। ठीक है, डैश 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 टिया है, गवर्नमेंट ये डैश टिया है। ठीक है, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से वर्ड नहीं लिखिएगा, मैं अपना जाहिर कर रहा हूँ कि अगर मुझे पावर मिल जाता तो सबसे पहले इस कंपनी को सबसे पहले बैन करता, या फिर कुछ मतलब निकालता कोई ना कोई सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, वहाँ के लोग परेशान हैं, गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है, और इतना मतलब बहुत है यार भयानक है। आप सच मानिएगा ना, जादूगोड़ा यूरेनियम फैक्ट्री के नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान है। ठीक है, लेकिन कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रहा, आपको ये विशेष रूप से बोलना है, क्योंकि अपने राज्य की समस्याओं को नहीं बोलिएगा तो फिर और कौन बोलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है आपका नैतिकता, नैतिकता मतलब ईमानदारी। ठीक है, प्रस्तावना इसमें बताना है कि नैतिकता क्या है। ठीक है, ईमानदारी क्या होता है, नैतिकता से भी ऊंची चीज है, ईमानदारी से भी ऊंची चीज है नैतिकता। ठीक है, नैतिक आचरण क्या है, जैसे मैं आपको एक बताऊं, जैसे आपको कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, आपको कोई नहीं देख रहा है, और आप किसी स्कूल में गए हैं, और वहां पे आपको एक प्रश्न पत्र मिल गया, जो आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले आपके पास उड़िया के, ठीक है, जो ऑफिस है वहां से खिड़की के माध्यम से, या फिर जो गेट का दरवाजा है नीचे, वहां से उड़ के नीचे आपके पैर के सामने आ गया। ठीक है, अब अगर आप नैतिक आदमी है, ठीक है, ईमानदार आदमी है, तब तो केवल आप उसे पढ़िएगा और फिर से घुसा दीजिएगा, ये हो गया ईमानदार आदमी। लेकिन जो नैतिक आदमी रहेगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, वो आदमी क्या करेगा, बिना पढ़े जो क्वेश्चन पेपर मिल गया, बिना पढ़े अंदर घुसा के रख देगा। ठीक है, ये होता है नैतिकता, तो ये चीज बताना है। और चोरी तो फिर डकैत तो सब तो बहुत ऊंचे चीज हो गया, मैं नैतिकता की बात कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जैसे सोच सोच के लिखना है। तीसरा है आपका साहित्य, साहित्य में आपका आता है साहित्य, इसमें आता है आपका शिष्ट साहित्य, ठीक है, लोक साहित्य मतलब भाषा साहित्य है, झारखंड की संस्कृति के बारे में बताना है, इसको लिखित रूप में जो किताब दिया गया है भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में, ठीक है, इन सब के बारे, साहित्य के बारे में बताना है। ठीक है, और बहुत सारे ऋषियों का योगदान रहा है, बहुत सारे कवियों का योगदान रहा है, उन सब के बारे में बताना है, जैसे कालिदास, वानभट्ट, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आप चाहें तो वर्तमान समय के झारखंड के कुछ चुनिंदा लेखक के नाम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इनका क्या नाम था, ये म्यूजियम नहीं खुला इनके नाम से यार, श्रीनिवास पानोरी के नाम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो रामदयाल मुंडा के बारे में ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, इन सब का नाम लीजिए और आप इनका जिक्र कीजिए, डेफिनेटली आपका हाईलाइट कर दीजिए एकदम। ठीक है, पेन से दगदगा दीजिए, चाहे हाईलाइटर ले जाइए, उसको हाईलाइटर का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, मैं हाईलाइटर का प्रयोग करता था ग्रेजुएशन में, ठीक है, इंटर में भी किया हूँ, पूरा हाईलाइटर का यूज किया था यार। लेकिन हाँ, सटीक लिखिएगा, ये फिर गलत उलत लिख के हाईलाइटर यूज कीजिएगा तो फिर फेल तो नहीं होइएगा, अच्छा ही मार्क्स आएगा, लेकिन सटीक लिखना है। ठीक है, चलिए, और उतना सटीक कौन देखता है यार। ठीक है, कौन सा भी आप लोग किताब छाप रहे हैं, अपना आंसर कर रहे हैं तो डरिएगा नहीं और अपना आंसर कीजिएगा। तीन गो हो गया, और कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो के एंड में। अरे यार, ये करियर का जो निबंध है इसको मैं आपको पढ़ने के लिए दिया हूँ। ठीक है, ये लिखना नहीं है, इसको बस केवल पढ़ना है,
ये कैरियर पे निबंध, कैरियर बनाने के चक्कर में आजकल कैरियर बर्बाद हो रहा है, कैरियर बनाने के चक्कर में कैरियर आदमी बर्बाद कर रहा है। कैसे? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कैरियर बन तो नहीं रहा है लेकिन कैरियर बर्बाद हो जा रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, सरकारी नौकरी का तैयारी मतलब बर्बादी का दूसरा रास्ता, और स्पेशली झारखंड में, ठीक है? तो सरकारी नौकरी की तैयारी मत कीजिए, दूसरा कोई रास्ता देखिए, सबको एक ही प्रकार का लाइफ पे चलिएगा यार, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो विज्ञान, विज्ञान पे आपका आएगा, ठीक है? ये आपको केवल पढ़ने के लिए दिया हूं, ठीक है? करियर पे निबंध आपको केवल पढ़ने के लिए दिया हूं। विज्ञान के चमत्कार, ये आपको पढ़ना है क्योंकि विज्ञान पे आपका निबंध आ सकता है, ठीक है? तो विज्ञान पे जब भी आएगा तो आपको बताना है विज्ञान क्या है, ठीक है? विज्ञान के क्या क्या खोज की अभी तक, ब्रह्मांड, सौरमंडल, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का नाम देना है, हमारे यहाँ के आर्यभट्ट का नाम देना है, ठीक है? बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम देना है, सीवी रमन का नाम दे दीजिए, जगदीश चंद्र बोस का नाम दे दीजिए। फिर आपको बताना है कि विज्ञान ने किस प्रकार तरक्की किया है आधुनिक इंटरनेट का। फिर आपको बताना है कि विज्ञान ने जो हमारा प्रगति किया है इंटरनेट, इसके क्या प्रभाव है, अच्छे प्रभाव और क्या बुरे प्रभाव, ठीक है? ये बताना है। और फिर लास्ट में बताना है निष्कर्ष। देखिए ये आपका विज्ञान और तकनीकी, ये दोनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और फिर आता है आपका राष्ट्रीयता पे। तो राष्ट्रीयता पे आ सकता है कि राष्ट्रीय एकता का महत्व पर निबंध लिखे, ऐसा आ सकता है, ठीक है? तो ये रहा आपका एक राष्ट्रीय एकता पे। और जब भी आपका राष्ट्रीयता पे निबंध आएगा ना, तो इसमें आपको राष्ट्र का सौंदरता संग्राम के बारे में थोड़ा सा बताना है, ठीक है? थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताना है कि उन्होंने कैसे 565 देशी जो रियासतें थे, मतलब पहले तो राजा रहा करते थे ना, तो 565 राजाओं को जोड़ के एक भारत बनाया, अखंड भारत। और यह काम सबसे पहले चाणक्य ने किया था, ठीक है? जो काम वर्तमान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है आजादी के बाद, वह काम चाणक्य ने किया था, अखंड भारत का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका निर्माण किया, ठीक है, हमारे वर्तमान भारत का। तो इस तरह से बताना है। राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में निबंध आ सकता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को मनाते हैं। 565 देशी रियासतें, मतलब ये आपका राजा था, ठीक है? राजा लोगों को एक साथ भारत में जोड़ दिया गया। तो क्या राजा लोग मान गए होंगे? नहीं माना था। राजा लोगों को एक प्रलोभन दिया गया था कि आप अगर भारत में जुड़ जाएंगे ना, तो आपको एक फिक्स सैलरी दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, भारत सरकार के द्वारा आपको एक फिक्स सैलरी दिया जाएगा अगर आप भारत सरकार के साथ जुड़ेंगे तो। तो उन लोग उसको प्रिवी पर्स की घटना कहते हैं, ठीक है? अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस, तो वहां पे लिखा था प्रिवी पर्स, ठीक है? 565 राजाओं को मंथली सैलरी दिया जाता था, ठीक है? लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो इनकी प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये गलत किया गया क्योंकि भाई कम से कम जब तक राजा जीवित है और तब तक उनको तो देना चाहिए, ठीक है? कम से कम उनको देना चाहिए, और या फिर उनको एक फिक्स अमाउंट एक ही साथ दे के कम कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपना एक प्रॉपर्टी खोया है। चलिए, तो इंदिरा गांधी की सरकार में प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, ठीक है? तो ये टॉपिक पे आपको निबंध लिखने आएगा। मेरा आवाज को क्या हो जाता है यार बोलते बोलते, ठीक है? तो ये सारा पीडीएफ मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और आपको घर पे प्रैक्टिस करना है पर्यावरण का, नैतिकता का, विज्ञान का, साहित्य का और राष्ट्रीयता का, ठीक है? ये पांचों टॉपिक पर मैं जोड़ रहा हूँ, उसको पढ़िए और खुद से अपने शब्दों में लिखा कीजिए भाई, ठीक है? मैंने क्या बोला, अब आपको चीता बनना है, चीता बनना है, बहुत फास्ट दौड़ना है, ठीक है? शेर बनने का टाइम खत्म है। शेर बनना है कब है? जब चीता बन जाइएगा पूरी तरह से कंप्लीटली, तब आप शेर बनिएगा। अभी शेर नहीं, अभी पहले चीता बन जाइए, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया। चीता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? लेपर्ड। चलिए अच्छी बात है, और क्या बताएंगे? ये ऐसी पेपर हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग है धीरे धीरे करके अगला टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और हाँ, जितने भी लोग खोरठा वगैरह रखे हैं, चाहे रीजनल लैंग्वेज संथाली, कुरमाली, जितना भी रखे हैं, कुरुक, पंच परगनिया, इन सब का नेक्स्ट सिलेबस में आपको दे दूंगा सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? और इसका भी मैं अगले टॉपिक में दूंगा। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है? ओके, बाय।